8 जुलाई 2016 दोपहर का वक्त, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कोई 20 किलोमीटर दूर भारत अधिकृत कश्मीर के कोकरनाग इलाके का एक छोटा सा गांव बमडूरा। इस गांव में कोई 150 घर है। ज्यादातर लोग किसान हैं या मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं। गांव में दाखिल होते ही कोई 100 कदम चलो तो एक घर आता है, राज्य के वन विभाग के कर्मचारी फारूक अहमद वानी का। आज इस घर में बहुत सारा चिकन मटन पकाया गया है क्योंकि आज इस घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, लेकिन सुबह से कोई इस घर से बाहर नहीं निकला। इसी वक्त पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी इस गांव में दाखिल होती है। राष्ट्रीय राइफल का बेड़ा दबे पांव उस घर की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। इस टीम को लीड कर रहे मेजर संदीप कुमार खुद आगे चल रहे हैं, साथ में एसओजी की एक टुकड़ी भी है। जवानों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार है, उंगलियां ट्रिगर पर है। धीरे धीरे इस बेड़े ने फारूक अहमद वानी के घर को चारों ओर से घेर लिया। जवानों की राइफलें आज काली नागिन बनकर डसने तैयार है, लेकिन तभी जवानों पर पथराव शुरू हो जाता है। आसपास के घरों से रुक रुक कर आर्मी के बेड़े पर पत्थर गिर रहे हैं। इससे हुआ यूं कि जिस घर को जवानों की राइफलों ने निशाने पर ले रखा था, उस घर में मौजूद लोग सतर्क हो गए। अब जो कुछ होने वाला था उससे मेजर संदीप कुमार भी अनजान थे, क्योंकि मामा घाटी में आज की ये दोपहर थी ही कुछ ऐसी। रे मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैम छो मजामा। अरे मामा, कश्मीर घाटी में आतंकवाद तो आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1987 आते आते आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमा ली। फिर थोड़ा उतार चढ़ाव आया। अब आता है 2010, तब घाटी में एक एनकाउंटर होता है, माचल एनकाउंटर। इस एनकाउंटर ने पूरे कश्मीर घाटी में आग लगा दी। घाटी में लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम इनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। 2010 का साल घाटी के इतिहास का सबसे डरावना और तनावपूर्ण साल साबित हुआ। इसी दौरान पुलवामा के त्राल इलाके में एक मिडिल क्लास पढ़ा लिखा परिवार रहा करता था। ये मुजफ्फर वानी का परिवार था। मुजफ्फर वानी मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी धर्मपत्नी महमूना मुजफ्फर अभी पढ़ी लिखी थी। इनके चार बच्चे, जो दो बड़े छोकरे थे, उनका नाम था खालिद वानी और बुरहान वानी। और आज की हमारी ये कहानी इसी बुरहान वानी पर आधारित है। कैसे एक होनहार छोकरा आतंकवाद के दलदल में फंस गया, कैसे वह पूरी कश्मीर घाटी में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बना, घाटी के लाखों युवा कैसे उसके पीछे पागल थे, कैसे वह भारतीय आर्मी के लिए बड़ी चुनौती बना और उसे मारने की टिप देने वाली एक लड़की थी या कोई और। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद बमडूरा गांव के लोगों के साथ क्या हुआ, वीडियो में अंत तक बने रहे मामा, पूरा रक्त चरित्र बता देंगे आपको। तो बुरहान वानी बहुत होनहार छात्र था, लेकिन ये वह समय था जब घाटी के हालात बहुत खराब थे। यहाँ आतंकवाद अपने चरम पर था। नौजवानों में पढ़ने लिखने की बजाय हथियार या पत्थर फेंकने होड़ लगी हुई थी। आर्मी हर जगह मुस्तैद थी, लेकिन उस वक्त की सरकार ने हाथ बांध रखे थे। सितंबर 2010 बुरहान वानी के घर के पास एक महिला की मृत्यु हो जाती है। अब इस्लामिक कल्चर है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो 3 दिन तक खाना पड़ोसियों के यहाँ से आता है। अब बुरहान के परिवार की बारी आई खाना देने की, तो पिता ने बड़े बेटे खालिद को बाजार सामान लेने भेजा। साथ ही ये भी कहा कि बुरहान को भी लेते आना, क्योंकि उस वक्त बुरहान अपने नाना के घर दरसरा गांव में था। जब ये दोनों भाई बाजार खाना लेने गए हुए थे, उस वक्त यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। आर्मी और आंदोलनकारियों के बीच रोज झड़पें होती थी। तब ये दोनों भाई सामान लेकर वापिस आते हैं, तब रास्ते में इन्हें CRPF के जवानों द्वारा रोक लिया जाता है। अब इन दोनों भाइयों को क्यों रोका गया, इस पर बताया जाता है कि आर्मी SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इनपुट मिला था कि बुरहान का भाई जो खालिद था, वह इस वक्त 2010 में चल रहे प्रोटेस्ट में नए नए लड़कों को मिलिटेंट्स बनाने का काम करता था, इसलिए इन्हें रोका गया और यहाँ इन्हें मारा पीटा गया। लेकिन दोनों भाई जैसे तैसे अपनी बाइक से भागने में कामयाब रहे और घर पहुंचे। लेकिन मामा, इस घटना ने बुरहान वानी के जहन में आग लगा दी। उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। 16 अक्टूबर 2010 बुरहान सुबह उठा, नाश्ता किया, फिर एक बैग में कपड़े बपड़े पैक किए और अपनी माँ को यहाँ कहकर घर से निकल गया कि वह कपड़े सिलवाने जा रहा है। बुरहान के साथ उसका चचेरा भाई आदिल मीर दोनों एक साथ निकल पड़े। जब बुरहान वानी घर छोड़ा, तब वह कोई
15 साल का था, उस दिन के बाद वह कभी घर नहीं लौटा। घर छोड़ने के बाद दोनों हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिए। अब आदिल मीर को कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना दिया गया और उसके नीचे बुरहान वानी। 2013 की बात है जब पहली बार भारतीय फौज और कश्मीर वासियों ने बुरहान वानी करके एक नाम सुना। दरअसल 2013 में आर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें टॉप का आतंकी एजाज अहमद भट्ट मरने से पहले एक वीडियो बनाता है, जिसमें वह कहता है, बुरहान को कहना मेरे लिए दुआ करे। बस यहीं से बुरहान वानी का नाम सामने आता है। इसके बाद बुरहान के जो उसका चचेरा भाई आदिल मीर था, उसे भी एनकाउंटर में ठोक दिया जाता है। अब बुरहान वानी के घर वालों को चिंता सताने लगती है, बुरहान किस हालात में होगा, कैसा होगा, क्या अब उसे भी मार दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान बुरहान ने कुछ ऐसा कांड किया कि आर्मी से लेकर पूरी कश्मीर घाटी हैरान रह गई। दरअसल अब तक यह होता था कि आतंकवादी अपनी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर डालते और चेहरा ढका हुआ रखते, लेकिन बुरहान वानी ने इस पैटर्न को पूरी तरह बदल कर रख डाला, एक नया पैटर्न शुरू किया। असली हथियार के साथ बुरहान वानी सोशल मीडिया पर फोटोज वीडियोज डालने लगा, वह भी बिना चेहरा ढके, और घाटी के युवाओं को हथियार उठाने, कश्मीर को भारत से अलग करने, एकजुट होने, आतंकवाद के रास्ते पर चलने नसीहत देने लगा, वह भी खुल्लम खुल्ला। इससे हुआ यूं कि पूरी घाटी में, पूरे कश्मीर में अब बच्चा बच्चा हर घर में बुरहान वानी की बातें होने लग गई, उससे लोग जानने लगे, और घाटी के युवा बुरहान वानी से प्रभावित होकर उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। वहीं कुछ युवा उसके गिरोह में शामिल होकर भारतीय आर्मी से जंग का ऐलान करने लगे। बुरहान वानी के इस गिरोह में सबजार अहमद भट्ट, सदाम पडेर, आदिल मीर, सरताज अहमद शेख, तारिक पंडित जैसे 11 ऐसे मिलिटेंट्स थे जो कहलाए बुरहान वानी गिरोह। इनमें से जो एक था सबजार अहमद भट्ट, जो खालिद वानी और बुरहान वानी का दोस्त था, जो एक किसान का बेटा था, जो बुरहान वानी से प्रभावित होकर घाटी में चल रहे प्रोटेस्ट से जुड़ गया, और एक दिन ऐसे ही प्रोटेस्ट के दौरान एक जवान की राइफल छीनी, फिर उसे मौत का घाट उतार कर जंगल में भाग गया और बुरहान वानी के गिरोह में शामिल हो गया। अरे मामा, ऐसा ही एक छोकरा था सदाम पडेर, जो सोफिया जिले का एक बेहतरीन क्रिकेटर था और स्टॉक मार्केट में उसका दिमाग खूब चलता। ये भी एक किसान का छोकरा था और बुरहान के वायरल वीडियोज और फोटोज से प्रभावित होकर 14 सितंबर 2014 को अपने घर से निकल गया और बुरहान वानी के गिरोह को ज्वाइन कर लिया। ऐसा ही एक लड़का था सरताज अहमद शेख, जिसने साल 2000 में सरहद पार जाकर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन को ज्वाइन किया। करीब 9 साल पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में रहा, फिर भारत लौट आया और घाटी में ट्रक चलाने लगा। इधर खुफिया एजेंसियों को इसकी पूरी जानकारी दी। अब आर्मी ने इस सरताज अहमद शेख को आर्मी का एजेंट बनाकर बुरहान वानी के गिरोह में भेजा, ताकि वह उसके साथ रहकर आर्मी को सारी जानकारी भेजे। कुछ महीने तक वह बुरहान की मूवमेंट के बारे में जानकारी भेजता रहा, लेकिन एक दिन उसने अचानक आर्मी से उसका कनेक्शन तोड़ दिया और बुरहान के साथ जुड़ गया। अब आता है साल 2015। बुरहान वानी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता है, जिसमें 11 लड़के दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन रखी और हाथों में असॉल्ट राइफलें थी। इस फोटो ने पूरे कश्मीर में तालगा मचा दिया। घाटी में बुरहान की वाहवाही होने लगी। यह फोटो सामने आते ही हमारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई, और यहीं से बुरहान खुफिया एजेंसियां और आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है और फोर्स काम पर लग जाती है। इस कार्रवाई में सबसे पहले बुरहान पर 10 लाख का इनाम ठोक दिया गया। इधर हमारी इंटेलिजेंस बुरहान से पहले सरताज शेख को पकड़ना चाहती थी। वही सरताज शेख जो इंटेलिजेंस का एजेंट बनकर बुरहान गिरोह में शामिल हुआ था, लेकिन उसने गद्दारी की। उसे पकड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि वह हमारी काउंटर इंटेलिजेंस के कई ऑपरेशन की खुफिया जानकारी जानता था, तो हमारे लिए वह बड़ा खतरा बन सकता था। इसे पकड़ने के लिए एसओजी ने बहुत सारी रेड की, लेकिन हर बार वह बच निकला। इसी बीच बुरहान वानी गिरोह का एक आतंकी पकड़ा जाता है, तारिक पंडित। अब फोर्स बुरहान को पकड़ने के आखिरी मिशन पर थी। 7 जुलाई 2016 की वह काली रात, श्रीनगर की इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में एक टिप्स आती है कि सरताज शेख अपने चाचा से मिलने के लिए कोकरनाग के बमडूरा गांव में आने वाला है। इसके चाचा का नाम था फारूक अहमद वानी, जो हमने पहले ही बता दिया कि वह वन विभाग में नौकरी करते थे। खबर आते ही हमारे एजेंट एक्टिव हो गए, उस गांव में पहुंचे, फारूक अहमद वानी के घर का जायजा किया। पास में बनी एक मटन की दुकान से पता चला कि आज यहां से 10 किलो मटन खरीदा गया है और फारूक वानी के घर पर पहुंचाया गया है। यह भी पता चला कि उनके यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। इससे यह तय हो गया कि खबर 100% पक्की है। 8 जुलाई 2016
दोपहर का वक्त था। राष्ट्रीय राइफल और एसओजी की टीमें गांव में दस्तक दे चुकी थी। मेजर संदीप कुमार इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। शाम के 4 बजे तक हमारी फौज ने उस घर के चारों तरफ पोजीशन ले ली, लेकिन यहाँ हुआ एक लोचा। दरअसल सेना की बढ़ती मौजूदगी की खबर उस बंद घर में मौजूद लोगों के पास पहुंच जाती है। अंदर से हलचल होने लगती है। उधर आसपास के घर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जैसे तैसे मेजर संदीप कुमार ने स्थिति को संभाला और फिर कुछ जवान उस घर के दरवाजे पर गए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जवानों ने जैसे तैसे खुद को संभाला। अब स्थिति बिल्कुल आर्मी के हाथ से निकलती जा रही थी। लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे, पत्थर भी बरस रहे थे। ये भी था कि अंदर मौजूद लोग पीछे से भाग सकते हैं। तब मेजर संदीप कुमार ने दिमाग लगाया, उस घर के पीछे की साइड आग लगा दी। वजह यह कि इस्लाम के मुताबिक कोई अगर आग में जलकर मरता है तो उसे जन्नत नसीब नहीं होती। तो आग लगते ही घर का दरवाजा खुला और एक शख्स अपनी राइफल से गोलियां चलाता हुआ बाहर आया कि हमारे जवानों ने उसे वहीं ठोक डाला। अब दो लोग कैसे भी घर के पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, तभी उन लोगों को भी वहीं खल्लास कर दिया जाता है। जब हमारी टीम ने इन तीनों के शव के पास जाकर देखा तो वो थे सरताज परवेज और बुरहान वानी। बुरहान वानी के एनकाउंटर के साथ ही पूरे कश्मीर में तांडव मच गया। जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसने आग पकड़ ली, पूरा कश्मीर ठप हो गया। बताया जाता है बुरहान वानी के जनाजे में 3 लाख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पाकिस्तान ने उसे शहीद का दर्जा दिया। बुरहान वानी की टिप्स को लेकर 2-3 थियरी बताई जाती हैं। एक थियरी ये कि बुरहान वानी कई लड़कियों से बात करता, ऐसी एक उसकी गर्लफ्रेंड थी। जब उसे ये बात पता चली तो बुरहान वानी से बदला लेने के लिए उस लड़की ने खुद आर्मी को बताया कि बुरहान आज फलाने फलाने इलाके में आने वाला है। वहीं दूसरी थियरी ये बताई जाती है कि जिस तारिक पंडित को आर्मी ने पकड़ा था उसने आर्मी को जानकारी दी। और तीसरी थियरी ये बताई जाती है कि जिस घर में बुरहान वानी मारा गया उस घर की एक लड़की आर्मी की मुखबिर थी और उसने टिप्स दी। खैर जो भी हो, लेकिन जब बमडुरा गांव में बुरहान वानी मारा गया, आज वह गांव बंजर बन चुका है, क्योंकि जिस घर में वह मारा गया उस घर को जला दिया गया। घर के सभी लोगों को अपना घर अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा। वहीं उस गांव के कई घरों को भी तोड़ दिया गया, जला दिया गया, क्योंकि बुरहान वानी को चाहने वाले मानते हैं कि गांव गद्दार निकला। इस गांव ने बुरहान की मुखबिरी दी। आज इस गांव से कई परिवार इस गांव को छोड़ चुके हैं। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।